मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थित भोजनशाला परिसर में लाडली बहना योजना के संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जैन तीर्थ मोहनखेड़ा स्थित दादा गुरुदेव के मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने दर्शन वंदन किया। इस दौरान तीर्थ ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। वही लाडली बहना योजना के आयोजन में शामिल होकर बहनों से संवाद भी किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री राजगढ़ स्थित मोहनखेड़ा गेट पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री का रोड शो प्रारंभ हुआ। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मुख्यमंत्री का रोड शो कुक्सी नाका नया बस स्टैंड कॉर्नर नगर पालिका मंडी गेट होते हुए महाविद्यालय पहुंचा। यहां पर मुख्यमंत्री महाविद्यालय में नवीन भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लाडली बहनों को अभी 1,000 दे रहा हूं, लेकिन आगे उन्हें यह राशि बढ़ाकर 3,000 तक दूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहनों के द्वारा चर्चा एवं प्रस्ताव का अनुमोदन करने के बाद लाडली बहनों को शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना मील का पत्थर साबित होगी। योजना को लेकर बहनों में जबरदस्त ऊर्जा दिखाई दे रही है। इस दौरान पूरे नगर में उत्साह का माहौल भी रही। वहीं जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया गया। बहना सेना की औपचारिक शुभारंभ हुआ है और लाडली बहना सेना से पहला संवाद आज हमने यहां पर किया है। बहनें बहुत उत्साहित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहनों की योजनाओं के और बेटियों की योजनाओं के कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन में ये लाडली बहना सेना मील का पत्थर साबित होगी और महिला सशक्तिकरण का सपना और संकल्प लाडली बहना सेना पूरा करेंगी। धन्यवाद।